श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा लेके आया हूँ। श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, हे केशव, आपने कृपा करके फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जो अमल की एकादशी आती है उसके बारे में बताया। अब कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान तुम्हें बताऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवन, मैं लोगों की हित की इच्छा से सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है और क्या फल मिलता है, कृपा करके ये सब बताइए। लोमस ने कहा, राजन, पहले की बात है, अप्सराओं से सेवित चेतर रथ नामक वन में जा गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है। मंजू घोषा नाम के अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के डर से आश्रम से एक कोस की दूरी पर ही रुक गई और सुंदर वीणा बजाने लगी, मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर अपने आप मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें दिन का पता चला न रात का। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें काफी दिन बीत गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दे। मेधावी बोले, देवी, जब तक सुबह की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो ना। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो करें। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए और जब उन्होंने समय का हिसाब लगाया तो पता चला कि उसके साथ रहते हुए महर्षि को पूरे 57 साल बीत गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान के मुनि को उस पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, जा, तू पिसाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार करें। 7 वाक्य बोलने और 7 कदम साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष बिताए हैं, इसलिए स्वामिन, मुझ पे कृपा करें। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। ये सारे पापों का क्षय करती है। हे सुंदरी, उसी व्रत को करने के बाद तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया, तुमने तो अपना सारा पुण्य ही नष्ट कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, पाप तो हुआ है, अब कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत को करने से मेधावी का पाप नष्ट हो गया। वे दोबारा तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी तरह से मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई।
राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा का सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गामी करने वाले महापात की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बड़ा पुण्यमय है। तो ये थी पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा जो मैं आप तक लेके आया। आगे भी एकादशी व्रत की कथाएं आप तक लाता रहूँगा। जय जय श्री राधे।